मेरी जमीन है मैं बढ़न दें मैं हूं का बुढ़ो बुढ़ बसरो तेन शर्म नहीं दिन गोबर गेरा का आता जो चली जा कहा ना मेरे पर कूद कूद का हुआ मैंने क्या बगाड़े मेरी जगह थी है और मैं यहाँ बढ़न दे रही है कसई भी। आपने अक्सर जो है जमीनी विवाद को लेकर जो है बहुत सारी खबरें बहुत सारी न्यूज़ आपने देखी होंगी। एक ऐसा ही वाक्य जो है मारवा कला के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जमीनी विवाद जो है इतना बढ़ जाता है कि हाथापाई से लेकर बोल चाल कर तक लेकर जो है कई बार जो है मरने और मारने तक बात आ जाती है। ऐसा ही मामला जो है यहाँ पर एक सामने आ रहा है। यहाँ पर लगातार मारवा कला के अंदर जो है पक्ष और विपक्ष के अंदर लगातार झड़पें हो रही हैं और उन झड़पों में जो है यहाँ पर प्रार्थीगण जो है आप देख सकते हैं हमारे सामने मौजूद हैं। ये प्रार्थी हैं और अपनी जो है प्रार्थना को जो है मीडिया के माध्यम से है शासन और प्रशासन को जो है रखना चाह रहे हैं। इनका आरोप है कि शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं मिली है, किसी प्रकार की कोई संतुष्टि नहीं हुई है, इनकी जो है प्रार्थना पर जो है सुनवाई नहीं की जा रही है। तो आप देख सकते हैं गांव वाले यहां पर मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो कब्जे की जो जगह है यहां पर जो है मिट्टी पड़ी है और मिट्टी के साथ साथ जो है यहां पर कुछ ईंट और रोड़े भी यहां पर पड़े हुए हैं। तो ये जो मिट्टी बताई जा रही है प्रार्थीगण की है, लेकिन जो यहाँ पर जो कब्जा किए जा रहे हैं प्रार्थीगण बता रहा है कि ये रोड़े जो है ना पहले से ही यहाँ पर इकट्ठा किए हुए हैं और वो इन पर जो है इनकी ज़मीन पर नाजायज कब्जा करने की फिराक में है। तो ऐसा कुछ जो है प्रार्थीगण के जो है द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। जनता यहाँ पर इकट्ठी हुई है, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके व्यूज़ लेंगे और गांव वाले जो है इस जगह के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। और यहाँ पर प्रार्थीगण यह भी बता रहा है कि ये नंबर की जगह है और हमारे पास पूरी रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ है, तो हम पूरी की पूरी बात इनसे पूछेंगे क्या कुछ मामला है, क्या कुछ बात है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे 7X न्यूज़ चैनल में। क्या नाम है आपका बताइए? सर राम कुमार जी। पुत्र श्री पूर्णचंद जी। ये जमीन आपका जो विवाद चल रहा है कब से चल रहा है? ये विवाद तो अभी 5-6 महीने से है जी। हमारे पिताजी के नाम नंबर का बाड़ा है जी है। और ये अवैध कब्जा कर रहा लठ के जोर से और जो हम यहाँ बाड़े मामा जी मानू मारने की धमकी दे रहा जी। तो बाबू जी ये नंबर का बाड़ा है आपको किस सन में मिला था, आपको कुछ बताना चाहेंगे? ये तो बहुत इंदिरा का रास्ता, इंदिरा गांधी के समय आपको दिया गया था ये सरपंच। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये पुराने बाड़े हैं जो कि यहाँ पर इनको दिए गए थे इंदिरा गांधी के राज में। तो यहाँ पर आपके पास कागजात क्या कुछ है, इसमें क्या कुछ है आपके पास? कागज हमारे पास रजिस्ट्री है जिसकी हमारे पास नक्शा है जी और हमने इसकी इन्होंने हमारे खिलाफ औरत का केस डलवा रखा जी और उसमें नहीं कह रहे थानू पर्चा सारा दर्ज करके अंदर कराए थानू चक्कर ये भी है किसी तरह जगह छोड़ देने। तो जनाब ये देखो एसपी की, ये एसपी को आपने दरखास्त दी है ठीक है? रिसीविंग है जी। तो ये दरखास्त की रिसीविंग है, आपने कब दी थी आप ये? ये 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन, ये 2 जून को आपने दी थी? हाँ जी। अभी तक ठीक है, रिपोर्ट का कोई नहीं, अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है जी। दूसरी बताइए। दूसरे जी मान तहसीलदार साहब के नाम की मुफ्ती की दे रखी जी। अच्छा, इसकी मतलब की निशानदेही के लिए आपने जो है इसको निशानदेही के लिए आपने ये रिपोर्ट कराई है ठीक है? और जनाब इसका ये है फर्द जी। अच्छा, ये आपकी पुरानी फर्द है जिसमें ये नंबर सारा इसी में ये नंबर दे रखे हैं। ये पूर्णचंद किसका नाम है जी? आपके पिताजी का नाम है, नानक खलीराम इनके पिताजी का नाम है। मतलब कि ये इसके हिसाब से तो ये आपकी ज़मीन बैठती है ठीक है? तो यहाँ पर इसके बारे में आपने जो है थाना जो है SHO बिलासपुर को भी आपने इन्फॉर्म किया? हाँ जी, आज हम यहाँ थाने में वहाँ स्थिर में गए थे जी। अच्छा जी। तो वहाँ जो SDM के नाम दरख्वास्त लिखेंगे क्योंकि सुनवाई तो हमारी नहीं रही जी। तो वहाँ भी कह दिया भाई या ले सकते हैं हम दरख्वास्त आपकी क्योंकि अब कब्जा टुवाने की नहीं हम ले सकते हैं। मगर जनाब फिर हम कहाँ जा रहे हम गरीब आदमी जी, हम किस तरह अपनी सुनवाई कराँ जी। तो फिर किसी बंदे ने बोलिया भी DSP को भेजो भाई, DSP को दरख्वास्त दी जी मान्य, उन्होंने रिसीव नहीं दी हमारे को दरख्वास्त की, बोले जो हम अपने आप कर लेंगे। तो यहाँ मतलब कि कह सकते हैं कि आपकी जो है प्रार्थना पर जो है सिर्फ एक लीपा पोती की जा रही है और सुनवाई नहीं की जा रही है। तो मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि इसमें जल्द से जल्द जो है हस्तक्षेप किया जाए और इस मामले का जो है समय रहते हैं निपटान किया जाए ताकि किसी प्रकार की भी जो है अनहोनी इस गाँव में ना हो सके। तो यहाँ पर बहरहाल मैं इनसे पूछना चाहूँगा आपको किस प्रकार से जो है जो आपके एंटी पार्टी के जो व्यक्ति हैं किस प्रकार से आपको परेशान कर रहे हैं इस जगह में? सर मारे तो बढ़ नहीं देते अंदर, गोबर कबाड़ भी नहीं गिरने दे रहे आपके सामने, देख लो जी वहाँ का। आपका पहले से यहाँ पर कब्जा था? हमारा शुरू से कब्जा है जी यहाँ जी, ने मारे गुआ रहे जी देखो दोनों भाई यहाँ के जी, और जगह हमारी नंबर क्या है जी, इनका तो कुछ भी नहीं है। हम कहाँ भी प्रशासन में भी कोई कोई प्रूफ हो दो। ये पड़ोसी आपके कौन क्या लगते हैं रिश्ते में? लगते तो चाचा है रिश्ते में, तो चाचा लगते हैं जी। तो चाचा जी आपकी जो है जमीन यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश में करने की कोशिश कर रहे जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है
माता जी भी खड़ी हुई है, माता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आपकी जमीन, आपने यहाँ पर जमीन जी? अच्छा, मेरी जमीन है, मैंने बड़न दिन दी, मैं हूँ का बुड्ढो बुड्ढ बस रो, तेन शर्म नहीं दिन गोबर गेरा का आता जो चली जाओ कहा ना आता मेरे पर कूद कूद का हुआ, मैंने क्या बगाड़े मेरी जगह थी है, और मैंने यहाँ बड़न दे रही है सही भी। तो आप पहले जो यहाँ पर आप कब्जा कर दिया, आप अपना कब्जा यहाँ गोबर वगैरह या कुछ कर रही थी जी, जिस दिन का बाड़ा मिला था नहीं पड़ी थी मैं। अच्छा जी, मैं कहीं भी नहीं किसी के दूसरे के बाड़े मैंने गई, मैं नहीं अपने डंगर बंधे पहला था मेरे उरा, और फिर गुहारे भी नहीं डर रही जनाब, इन्होंने लग रहे कुछ कारण बस इन्होंने पाला चक दिया लिंटा की गड्डी दोपहर में करवाई नया, मैंने कहा भी भाई ये तो झगड़ा होगा भी इन्हें रात बरात कभी भी कर सका, फिर मैंने दो डंपर मट्टी करवाई जी। तो दर्शकों अब यहाँ पर जो है हमने गांव वालों के यहाँ पर जो है बयान लिए, अब गांव वालों के हम व्यूज़ लेंगे, वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर किसका कब्जा है और कौन यहाँ पर रह रहा था और क्या कुछ उनके व्यूज़ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो हमारे सामने मौजूद हैं अभी अजय बाबू जी, कब्जा किसका है, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? नंबर का ही है जी, वैसे तो बाड़ा तो पूर्णचंद का जी, पूर्णचंद का बाड़ा है, इनका कब्जा है यहाँ पर शुरू से ही। हाँ जी, कब्जा तो है। क्या आपको लगता है कि ये जो इनके साथ जो जाति हो रही है वो गलत है या सही है? भाजी इसका तो इनको इनको ही पता, मान लो इसको बात का तो पता नहीं कि गलत है या ठीक है, मारे वास्ता तो ये है भी नंबर का बाड़ा जी इसका, नंबर तो का बाड़ा हाँ जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नंबर का बाड़ा है और इनका ही है, इनकी आपसकी क्या रंजिश है क्या मनसा है वो तो इंक्वायरी का एक विषय है, वो तो वो बात अलग है। तो बाबू जी क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर, ये बाड़ा जो है अपना बता रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये झगड़ा है हमें पता भी किस किस का है, लेकिन ये बाड़ा मान लिया 80 से पहले मिला है पूर्णचंद को। हाँ जी, पूर्णचंद को मिला। हाँ, ये इनका नंबर का बाड़ा है जी। बाकी और ये पंचायती पड़ी जो जो अद्धा भरिया सुधा भरिया जी, ये है इसका रपड़ा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है पूर्णचंद जी के हक में है कि यहाँ पर इनका नंबर का बाड़ा है और 80 के दशक के पहले का ये बाड़ा इनको दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर इनको परेशान किया जा रहा है। तो मैं शासन और प्रशासन से मैं बार बार अपील करता हूँ कि इसमें जो है जल्द से जल्द हस्तक्षेप किया जाए, उस मामले का जो है निपटान जल्द से जल्द किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा यमुनगर मारवा कलां।